यहाँ पर खबर अयोध्या उत्तर प्रदेश से आ रही है। विश्व रामराज महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक सिंह व राष्ट्रीय सचिव आशीष मौर्य ने कोविड महामारी को देखते हुए मंडल कारागार के कैदियों को कम्युनिटी पावर बढ़ाने के लिए चवनप्राह सैनिटाइज मास्क वितरित किया गया है। रामराज महासंघ के राष्ट्रीय सचिव आशीष मौर्य ने बताया कि लगातार हमारा संगठन इस वैश्विक महामारी लोगों की मदद करने के लिए निरंतर खड़ा रहा, लोगों की मदद कर रहा। लोगों को मास्क सैनिटाइज चवनप्राह वितरित किया जाए ताकि लोगों की कम्युनिटी पावर बढ़ सके और लोग स्वस्थ रहे। संगठन जिस तरह से लोगों को जागरूकता पड़ रही है उसी हिसाब से वो मदद कर रहा है। संगठन के लोग तुरंत ही लोगों की मदद करते हुए आशीष मौर्य ने बताया कि लगातार संगठन चवनप्राह मास्क सैनिटाइज वितरण कर रही है और आज नाका और ब्रिज के नीचे भी सैनिटाइज मास्क वितरण करने का कार्य करेगी। रामनगर में भी वितरण किया गया है। लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस कोरोना महामारी में लोग मास्क सैनिटाइज का प्रयोग करें। प्राइम टेक न्यूज चैनल के लिए आजम खान, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। जो भी कोरोना की गाइडलाइन चल रही है, जैसा कि हम सभी लोग जान चुके हैं कि इससे महामारी से बचाव का जो हमारे पास स्टेप है, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र और 2 गज की दूरी, उसी के तहत हम लोगों ने ये अभियान चलाया है कि हम सभी को मास्क और सैनिटाइज़र वितरण करेंगे। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने SP महोदय और चौकी इंचार्ज महोदय के साथ लगभग 1 घंटा चौक में सभी को सैनिटाइज़र और मास्क वितरण किया। विश्व राम राज्य महासंघ की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपिका यही अपील करना चाहूँगी कि आप मास्क लगा के रखिए, अगर अनिवार्य हो तभी घर से निकलिए, अन्यथा आप घर पर रहिए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर से बाहर निकलना तो 2 गज की दूरी बना करके बहुत ही सावधानी के साथ आप सुरक्षित हो करके जाइए और घर पर आइए और हाथ अपना सैनिटाइज़ कीजिए या तो साबुन से धुलिए, उसके बाद आप अपने घर के अंदर जाएं। में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में वहाँ पर हमने एक किट बनाई थी, जिस किट में हमने च्यवनप्राश, ग्लूकोज, मास्क, सैनिटाइज़र, इन सब का एक किट बनाया और जो वहाँ के कैदी हैं उन सभी को वितरण किया। कितने लोगों को लगभग आपने वितरण? लगभग आप मान लीजिए 80 से 100 लोगों को। जब तक कोविड ये महामारी से हम निजात नहीं पा जाते तब तक हमारा ये मास्क और सैनिटाइज़र वितरण का कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा। हम सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ये जागरूक अभियान चलाते रहेंगे। विश्व राम राज्य महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपिका। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा हम लोग को जितने भी कोरोना के, जिसे हम लोग कहते हैं मंत्र, अगर कोई बचने की कोई चीज़ होती है तो मंत्र, मंत्र का मतलब नियम, जितने भी नियम हैं, सैनिटाइज़र, मास्क, 2 गज की दूरी और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, तो इसको देखते हुए हम लोग सारी सावधानी भी बरतते, हम भी बरत रहे हैं और लोगों को भी संदेश भी दे रहे हैं। और जिन बहुत से ऐसे लोग हैं आज समाज में जो 2 वक्त की रोटियां ही इकट्ठा करना उनके लिए माने रखता है, तो ऐसे लोगों को जहाँ जहाँ पर होते हैं उनको सैनिटाइज़र देना, मास्क देना और उनको जागरूक करना, जो हमारे भारत सरकार का कार्य है, उन्हीं के नेतृत्व में, यहाँ के DM साहब के नेतृत्व में ये कार्य हम लोग हर दिन कर रहे हैं और करते रहेंगे। कल आपका क्या कार्यक्रम होना है? कल अब जो हमारा आगे का कल से कार्यक्रम जो चल रहा है, जैसे कि आज का कार्यक्रम था कि 4 घंटा घर पे, 1 घंटा लोगों को बताया भी गया और बांटा भी गया, ऐसे नाका पुल के पास, देवकाली, रामनगर, शांति चौक चौराहा, सब्जी मंडी, ऐसे जितने भी बड़े बड़े चौराहे हैं सब पे 1 घंटे का कार्यक्रम प्रतिदिन चलेगा। किसी 2 चौराहे पे 1 दिन का कार्यक्रम चलेगा और जितने भी हमारे सिटी के चौकी थाने हैं, प्रथम बार में सभी जगह मास्क और सैनिटाइज़र वहाँ पे पहुँच जाएंगे, जिससे उस चौकी के आसपास जितने भी लोग दिखें उनको मास्क और सैनिटाइजर। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।